अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंसार व्लॉग्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन बातें करेंगे, वीडियो पूरी देखना, वीडियो आपके काम की है। दोस्तों, पहला नंबर हम बात कर लेते हैं फ्लाइट के बारे में। जैसे आपको पता है, सऊदी सरकार ने 20 देशों के लिए फ्लाइटें सस्पेंड कर दिया है, यानी बैन लगा दिया है, फ्लाइटें नहीं आ सकती है। तो बहुत से भाई लोगों का सवाल है, क्या हम बांग्लादेश से होकर सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं, सऊदी अरब में आ सकते हैं, या नेपाल में होकर सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो सऊदी सरकार ने ये 20 देश दिया है जिनमें आप नहीं जा सकते, वहां से फ्लाइट नहीं आ सकती। आप इनमें देखिए, आप जिन देश में जाना चाहते हैं उनका अगर नाम होगा तो आप वहां से नहीं आ सकते। हाँ, आप जाइए, जैसे बांग्लादेश नेपाल में आप जाते हैं तो वहाँ का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, PCR टेस्ट चाहिए कि हाँ, मैं इन देश से मैं 14 दिन क्वारंटाइन रख के टेस्ट करा के फिर सऊदी अरब में एंट्री किया हूँ। आने के बाद आपको यहाँ भी 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब दूसरे नंबर बात कर लेते हैं, क्या सऊदी अरब से हम इस समय छुट्टी इंडिया जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, क्या फ्लाइट चालू है कि नहीं चालू है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देख लीजिए, स्क्रीन शॉट दिख रहा है सामने, जावेद भाई ने ट्वीट करके एयर इंडिया से पूछा है, तो एयर इंडिया ने जवाब दिया है, प्रिय सर, मतलब उन्होंने कहा, अधिक जानकारी के लिए हमारे सूची पर जाइए जहाँ पर पूरा अपडेट मिल जाएगा, और अगर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे कोड नंबर दिया, हमारे टेलीफोन नंबर दिया है, आपको वहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरा नंबर, तवक्कलना के बारे में, क्या तवक्कलना सऊदी अरब में ज़रूरी है। तो मैं आपको जावेद भाई के वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं उनके टिकटॉक से उठाया हूँ, जो कि आप पहले वीडियो देख लीजिए, पूरा वीडियो देखो। मैं अभी स्पार में आया हूँ, ठीक है, ये स्पार है, और अभी मैंने अपना तवक्कलना ऐप एक्टिवेट किया है मोबाइल में, मैं भूल गया था मोबाइल, मैडम मेरा इंतजार कर रही है अंदर में, ठीक है। ये भाई यहाँ पे चेकअप करेगा, तवक्कलना के लिए खड़ा है। तो तवक्कलना देखो, इनको दिखाया हूँ मैं अभी तक, ये भाई खड़े थे, ठीक है। तो बिना तवक्कलना ऐप के अंदर एंट्री नहीं है मेरे भाई, ठीक है, अपना ख्याल रखो। और तवक्कलना ऐप बहुत ज़रूरी है, बना लो भाई, बना लो, बना लो, मैडम को पता है कि मेरा ऐप है। तो दोस्तों, आपने देखा, मैं जावेद भाई का टिकटॉक से वीडियो उठाया, मैंने आपको दिखा दिया, उन्होंने बताया कि तवक्कलना बहुत ज़रूरी है। और तवक्कलना, मैं आपको एक छोटा वीडियो दिखाता हूँ, जो कि मस्जिद में चेकिंग कर रहे हैं, देखिए तो आपके सामने वीडियो चल रहा है, मस्जिद में भी चेकिंग कर रहे हैं। आपके पास अगर तवक्कलना नहीं है तो 1000 रियाल का जुर्माना आपका लगेगा। आपके पास अगर नेट नहीं, अगर मोबाइल है, अगर नेट नहीं है, सिर्फ आपके रूम पे रहता है नेट, तो आप मस्जिद में नमाज पढ़ने ना जाएं, रूम पे ही पढ़े तो ही बेहतर है, नहीं तो आपको क्या पता कब चेकिंग करने वाले आ जाएं। आपको मोबाइल का तवक्कलना ज़रूरी है उनको दिखाना, अगर तवक्कलना नहीं रहेगा तो 1000 रियाल का जुर्माना होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आपके पास अगर नेट नहीं है या छोटी मोबाइल है तो आप रूम पे ही पढ़ें, अगर आपके पास नेट है, तवक्कलना भी है, तो आप मस्जिद में जाइए, मास्क लगाइए और मुसल्ला भी लेके जाइए, और वहाँ पर दूरियाँ बना के भी बैठें, नहीं तो चेकिंग करने वाले कब आ जाएं कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, और मैं आखिरी में ये बताऊँगा कि अगर आप सऊदी अरब से छुट्टी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या चार्टर फ्लाइट से आप जाना चाहते हैं, या वंदे भारत मिशन फ्लाइट चल रही है उससे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। और लेकिन ये भी कहूँगा कि ये जो लॉकडाउन जो फ्लाइट सस्पेंड हुई है 20 देशों के लिए, इसका कोई तारीख नहीं दिया गया है कि कब तक रहेगा, 10 दिन रहेगा, 15 दिन रहेगा, 20 दिन, इसका कोई तारीख नहीं दिया गया है। हो सकता है 1 हफ्ता रहे, 15 दिन रहे, अल्लाह आलम जाने, ये लोग जानेंगे कब तक रहेगा, अल्लाह रसूल जाने, हम लोग को कोई उपाय नहीं है। जब अपडेट मिलेगा तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।